दोस्तों, पेनी स्टॉक्स का लो मार्केट प्राइस बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, रिस्क एंड कैसे हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके शेयर बहुत ही कम मार्केट प्राइस पर ट्रेड किए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिन स्टॉक्स का प्राइस बहुत ही कम होता है। जनरली इनका शेयर प्राइस 10 रुपीज़ से भी कम होता है। इन स्टॉक्स की बहुत ही लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, इसलिए इन्हें नैनो कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कहा जाता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टेबल में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो पेनी स्टॉक्स उन कंपनीज को कहा जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। ये हैं इंडिया में कुछ पेनी स्टॉक्स के एग्जाम्पल, जैसे बजाज हिंदुस्तान, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, MTNL, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, JP एसोसिएट्स, यूनिटेक एट्सेट्रा। बात करते हैं पेनी स्टॉक्स के फीचर्स की। सबसे पहला है हाई रिटर्न्स। तो इन स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कराने का पोटेंशियल होता है कंपेयर टू एनी अदर सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये शेयर स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो इनमें ग्रोथ की क्षमता होती है। साथ में रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन का इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगला है इलिक्विड। इंडिया में पेनी स्टॉक्स इलिक्विड नेचर के होते हैं क्योंकि इन स्टॉक्स को इशू करने वाली कंपनीज अनपॉपुलर होती हैं, तो इसलिए इन स्टॉक्स में कम बाइंग एंड सेलिंग होती है। लो कॉस्ट। इंडिया में पेनी स्टॉक्स यूजुअली 10 रुपीज़ से कम का प्राइस होता है, तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी इन स्टॉक्स को कई ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जो है ग्रो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रो ने हाल ही में स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट फीचर लॉन्च किया था, तो लॉन्च होने के पहले 3 महीने में ही इसके अकाउंट ओपनिंग 3 लाख क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि ग्रो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिंपल, फास्ट और सिक्योर तरीका है। यहाँ पर 2 मिनट से भी कम समय में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पेपरलेस है। इसका इंटरफेस यूज़ करने में बहुत ही आसान है, और इस पर आपको स्टॉक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे लाइव प्राइस मूवमेंट्स, PNL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एट्सेट्रा। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए चाहिए। सुपरफास्ट सिस्टम के साथ आप सिंगल क्लिक में शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के साथ साथ अब आप ग्रो ऐप के जरिए इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 8 गुना मार्जिन भी मिलता है, और फीचर्स जैसे स्टॉप लॉस और शॉर्ट सेलिंग। तो ग्रो ऐप को डाउनलोड करो और इजिली इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, यानी क्यों आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स को हिट या मिस सिक्योरिटी माना जा सकता है। उन्हें इशू करने वाली कंपनीज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ग्रो हो सकती हैं और आपको हाई रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन वहीं अपने शुरुआती दौर में ये डाउन भी जा सकती हैं, जिससे ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्यों पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके 2 कारण हैं। पहला, मल्टीबैगर। पेनी स्टॉक्स से कई सारे स्टॉक्स में मल्टीबैगर्स बनने का पोटेंशियल होता है। इसका मतलब होता है कि वो शेयर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देती है। अगर एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के डबल हो जाती है तो उसे डबल बैगर बोलते हैं, और अगर उसके रिटर्न्स उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के 10 टाइम्स होते हैं तो उसे 10 बैगर्स कंसिडर किया जाता है। तो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने से आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, और लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने टी लिमिटेड एक IT स्टार्टअप में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, जिसका पर शेयर की वैल्यू थी 5 रुपीज़, एंड उन्हें 1,000 शेयर मिल गए, तो मान लो कंपनी की मार्केट में अच्छी ग्रोथ हुई और उसके पेनी स्टॉक्स की वैल्यू अब हो चुकी है 50 रुपीज़ पर शेयर, तो जब मिस्टर ए अपने 1,000 शेयर सेल करेंगे तो उन्हें 50,000 रुपीज़ मिलेंगे, यानी 10 टाइम्स रिटर्न। इस स्टॉक को 10 बैगर बोला जाता है। अगला एडवांटेज है इनएक्सपेंसिव। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सस्ता होता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का कोई बड़ा हिस्सा इस पर नहीं लगाना पड़ेगा। तो इससे आपके पास ऑप्शन होगा कि साथ में आप अदर सिक्योर इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। रिस्क की बात आई है तो लास्ट में बात करते हैं कि पेनी स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं। सबसे पहला है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कंपनीज जो पेनी स्टॉक्स इशू करती हैं वो स्टार्टअप्स होती हैं, फाइनेंशियल पास्ट परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जैसी इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड यानी कम अवेलेबल होती है, तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिसर्च किए बिना ही इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इंडिया में आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। दूसरा रिस्क है स्कैम्स। पेनी स्टॉक्स की हिस्ट्री में कई सारे स्कैम्स रहे हैं। सबसे कॉमन स्कैम है पंप एंड डंप।
कंपनीज एंड स्कैमर्स खुद से ही पेनी स्टॉक्स को हाई अमाउंट में परचेज करते हैं, जिससे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है, जो अदर इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती है। हालांकि एक बार जब अदर इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंपनीज एंड स्कैमर अपने हाई क्वांटिटी के शेयर एकदम से बेच देते हैं, जिसे स्टॉक की वैल्यू एकदम से गिर जाती है और इन्वेस्टर्स को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो आपको पेनी स्टॉक्स की कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड उनके ऑपरेशंस के ट्रैक रिकॉर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को जानना है। अच्छी एंड पोटेंशियल कंपनीज ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल कराती है पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए। तो बेसिकली ये होता है दोस्तों पेनी स्टॉक्स, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड रिस्क। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।